बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने आलू का पराठा तो बहुत बनाया होगा, लेकिन आज जो मैं आपके लिए आलू का पराठा लेके आया हूँ, इसमें ना तो आपको आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही पेड़ा बनाना पड़ेगा। और ख़ास बात यह कि ये इतना क्रिस्पी होगा कि जब आप इसको खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, और बनाना बहुत ही आसान है। चलें जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत सा एक आलू जिसको हमने अच्छे से छील के धो लिया था, इसको हम ग्रेट करेंगे। और जो बड़े होल होते हैं ना ग्रेटर के, उससे हम इसको ग्रेट करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोगों का दिल करता है आलू का पराठा बनाने का, लेकिन लंबी रेसिपी होने की वजह से वो नहीं बना पाते। तो इस रेसिपी को अगर आप कंप्लीट देखें तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा कि 10 मिनट के अंदर पराठा कैसे बनता है। तो जैसे ही आपने ग्रेट करना है, फौरन से इसको पानी में डाल देना, क्योंकि ये बहुत जल्द काले हो जाते हैं जो आलू होते हैं, ठीक है। उस पानी में डाल लेने के बाद आपने एक दो दफ़ा पानी चेंज करना है, इसका स्टार्च जो है वो आपने रिमूव करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत सा एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम आटा लेंगे 1.5 कप के करीब, ठीक हो गया। ये लें जी, अच्छे से छान कर यूज़ किया करें आटा जब भी यूज़ किया करें। और ये लें जी ग्रेटेड पोटैटोस, अभी जो हमने जिसको ग्रेट किया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 प्याली के करीब है, ठीक हो गया। अब सबसे पहली चीज़, इसमें बहुत ही स्पेशल प्याज आएगा, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बारीक बिल्कुल कटा हुआ हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अगली चीज़ इसमें जाएगी हरी मिर्चें, 3 से 4 छोटे वाली हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप, और ग्रीन हमारे पास है रेड मिर्च, ठीक है, 2 हैं, बहुत ही खूबसूरत, इससे खूबसूरती भी आएगी और साथ ही साथ इसकी खुशबू अच्छी होती है। और 3 टेबलस्पून के करीब धनिया ऐड करेंगे इसको बिल्कुल बारीक कटा हुआ। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। याद रखिएगा इसकी डो बहुत स्पेशल है, गौर से आपने देखनी है, ठीक है, पतली नहीं हम इसको ज़्यादा करेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर चला जाएगा। ये लें जी, अब बारी आती है हल्दी की, तो 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें काफ़ी होगी। और ये है हमारे पास खुश धनिया पाउडर, 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून ऐड कर लें। और ये है हमारे पास पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें। अब एक बहुत ही स्पेशल चीज़ इसमें हम ऐड करने लगे, ये तकरीबन 1 से 1/2 इंच हमारे पास अदरक का टुकड़ा है बड़ी सा, इसको हम बिल्कुल फ्रेश इसके ऊपर ग्रेट करेंगे, ठीक है। ये आपने पड़ा हुआ पेस्ट नहीं लेना, पाउडर नहीं लेना, इसकी खुशबू बहुत ही खास होती है आलू के पराठे के अंदर। कहते हैं कि आलू का पराठा बनता ही नहीं जब तक इसमें अदरक की, फ्रेश अदरक की खुशबू ना आए। अब तकरीबन इसमें 1 या 1.25 कप आपने पानी का ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। जिस तरह से हम पैनकेक्स में या चिल्लास में नॉर्मली यहाँ पे बैटर बनाते हैं ना, बारीक सा पतला सा, वो आपने नहीं बनाना, इसको आपने गाढ़ा सा रखना है, ठीक है। आगे जाके पराठा कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक हो गया, गाढ़ा सा रखना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे खूबसूरत से पैन को हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे। याद रखिएगा स्टार्ट में आपने जो फ्लेम है उसको बहुत कम रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको शेप देना है। अगर ये गर्म हुआ तो वो फौरन से ऊपर चिपक जाएगा और हमसे फिर पराठा नहीं बन पाएगा, ठीक हो गया। लोएस्ट से फ्लेम के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे 1 कप भर के हम इस बैटर का ऐड करेंगे और इसको फैला देंगे। फिकर नहीं करना, ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। और थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। अब चूंकि ये गाढ़ा है, ठीक है, इसलिए हमारी जो पराठे की शेप है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो एक दफ़ा इसको फैला कर हम क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से इसकी जो साइड्स हैं उसको राउंड कर लेंगे, ठीक है। ये सब हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि नीचे जो फ्लेम है वो काफ़ी लो है, इसलिए हम इजीली ये काम कर पा रहे हैं। तो आपने फ्लेम लो रखना है, जब शेप बन जाए तब आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसको आपने पकने देना है। जब आपको लगे कि एक साइड स्ट्रांग हो चुकी है, आप इसको पलट सकते हैं, तब आपने प्यार के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको थोड़ा सा हिला देना, इससे आपको पता चलेगा कि ये नीचे चिपका हुआ नहीं है, ठीक हो गया। ये तभी होगा जब ये नीचे से डन हो जाएगा। अब हम इसको पलटते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ले जी। अब खास बात जिसका आपने खास ध्यान रखना है इस रेसिपी में, आपने इसको तेज़ फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना, ठीक है, कम फ्लेम के ऊपर पकाना है, ज़्यादा देर पकाना है। इससे क्या होगा, इसका जो मॉइस्चर है, इसका जो पानी है, वो ड्राई होगा और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। अगर आपने इसको क्रिस्पी ना किया तो आपको कच्चे का फ्लेवर आएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से दोनों साइड्स को आपने टाइम दे के, ये ले जी, ये देखें ज़रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कितना अच्छा क्रिस्पी होगा। इसी तरह से आपने दोनों साइड से इसको गोल्डन कर लेना है। फाइनल लुक की तरफ से चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जितनी उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। तो आलू वाला पराठा तैयार है, आलू का पराठा तैयार है, बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल रेसिपी है, झटपट बन जाती है। और साथ ही साथ दूसरी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, यम्मी टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जान सर को जान दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।